नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्भय को लेके। इसको टेस्ट करने के लिए जो एक नो टाइम है वो इशू किया गया था एक हफ्ते पहले। अगर नो टाइम की विंडो की बात करते हो तो 23 जून से लेके 26 जून के बीच में वैलिड किया गया था। और जो एरिया के लिए कोऑर्डिनेट दिए गए थे वो काफी मैचिंग था निर्भय के प्रीवियस टेस्ट के लिए दिए गए एरियो से। तो यहाँ पे आज कुछ मीडिया आउटलेट के थ्रू जो रिपोर्ट्स है वो सामने आई थी कि निर्भय का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है, लेकिन ऑफिशियली कहीं भी इसको लेके कोई भी जो वर्ड्स हैं वो नहीं है। तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया होगा और रिजल्ट आपके अनुकूल ना आए हो, तो ये पहला कारण हो सकता है। यहाँ पे सेकंड रीजन की बात करोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम जो टेस्ट है वो आज कंडक्ट कर लिया गया हो और एक और टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इन 3 दिनों के अंतराल में, और एक जो कम्बाइंड प्रेस रिलीज है वो शायद इशू किया जाए। तो यहाँ पे ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो आपको एटलीस्ट कल का या 26 तारीख तक का जो वेट है वो करना पड़ेगा। इसी विंडो में जितने भी टेस्ट होंगे निर्भय को लेकर वो कंडक्ट किए जाएंगे, जो कि पॉसिबली मल्टीपल टेस्ट भी हो सकते हैं। बात करते हैं अगला अपडेट को लेके, जो कि इंडियन आर्मी को लेके है, जहाँ पे आर्मी प्रोक्योर करने जा रही है 6x6 के हाई मोबाइल व्हीकल को। और इन व्हीकल पे जो क्रेन है वो माउंटेड रहेंगे, प्लस ये इस्तेमाल में लाने जा रहे हैं जो भी आपके आर्टिलरी है 155mm की, उनको टो करने के लिए ट्रक है वो इस्तेमाल में लाए जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक स्पेकुलेशन है वो ये भी है कि आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी प्रोक्योर करने जा रही है एक बड़े नंबर में टोड आर्टिलरी गन्स को, और उसको देखते हुए इस तरह के जो ट्रक हैं वो प्रोक्योर किए जा रहे हैं। जहाँ पे ट्रक को लेकर कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो रखी गई है, यहाँ पे ये जो ट्रक होंगे वो टो करने जा रहे हैं 20 टन कैटेगरी के पेलोड को। तो जब भी आप 20 टन मेंशन करते हो तो उसमें आर्मी के लिए प्रोक्योर किया जाने वाला जो भी गन है, चाहे आपके ATAGS हो, भारत 52 हो, उन सभी की वेट कैटेगरी उसके अंतर्गत आ जाती है। मतलब ये जो ट्रक होंगे ये हैवी से हैवी आर्टिलरी को टो कर पाएंगे। ट्रक से ये डिमांड की गई है कि वो 20 टन के अलावा भी 8 टन का जो लोड है वो कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब ओवरऑल जो लोड होगा वो 28 टन का ये ट्रक कैरी करने जा रहा है। ATAGS के वेट को लेकर हम सभी जानते हैं कि जो ATAGS का वेट है वो 18 टन का है, यानी कि 18 टन का है, जिसको ये जो ट्रक होंगे वो आसानी से टो कर पाएंगे। सो अगेन यहाँ पे ट्रक को लेके कुछ स्पेसिफिकेशन है, स्पेशली पावरफुल इंजन, अम्बुनेशन को हैंडल करने के लिए जो अरेंजमेंट है वो डिमांड में रखी गई है, वेरियस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम और टो करने के लिए जो अरेंजमेंट है उसको सामने रखा गया है RFI को लिखते वक्त। तो यहाँ पे जो भी वेंडर पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह के ट्रक को देने के लिए, यानी कि गन टोइंग व्हीकल को देने के लिए, उन वेंडर के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि उनके जो ट्रक हैं वो सिमुलेशन को यूटिलाइज कर पाएं, वो इनके फील्ड ट्रायल्स के लिए जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर पाएं। तो इस तरह की जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो रखी गई है। अगर इस तरह के GTV के लिए वेंडर की बात करोगे और उनके प्रोडक्ट को लेकर बात करोगे कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस टेंडर के लिए, तो सबसे पहला जो नाम होगा वो टाटा का होगा। टाटा ऑलरेडी इस तरह के जो ट्रक हैं वो आर्मी को सप्लाई कर चुकी है, और मुख्य दावेदार आप कह सकते हो टाटा का LPTA 2038 है, जो कि 6x6 प्लेटफॉर्म है। ये एक हाई मोबिलिटी व्हीकल है और इसको लेकर जो डेटा है वो यहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे जो इंजन है वो ऑलमोस्ट 400 HP का इंजन है। तो ये एक मुख्य कंटेंडर है जहाँ पे व्हीकल को ऐसे बनाया गया है कि आप क्रेन को माउंट कर सकते हो। सेकंड विंडर की बात करोगे तो अशोक लेलैंड आप कह सकते हो, अशोक लेलैंड का FAT, जहाँ पे ये जो ट्रक है वो 450 HP के इंजन को इस्तेमाल करता है, और ऑलमोस्ट जो भी ऑपरेशनल कंडीशन डिमांड की गई है वो ये दोनों ही वेंडर फुलफिल कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले वेंडर की तरफ, तो वो आपका BEML। BEML के भी 6x6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस तरह का रोल निभा सकते हैं, जहाँ पे BEML ऑलरेडी तात्रा के साथ मिलकर इस तरह के प्रोडक्ट को 90+ इंडियनाइज कर चुकी है। तो कहीं वो जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे कम्पीट करेगा। तो ये कुछ आपके मुख्य वेंडर है जो कि हाई मोबिलिटी ट्रक कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।